डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को। साइंस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम लोग अभी साइंस में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी के एक केमिस्ट्री के सेक्शन है, केमिस्ट्री का एक भाग है। तो चलिए अभी हम लोग, आपको पता है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को टोटल 5 खंडों में बांटे हुए थे, संयोजन, वियोजन और उसके साथ साथ विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। देखिए, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया हम लोग दोनों को एक साथ लिखे हुए थे, लेकिन दोनों के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक बनाया जाए उपचयन अभिक्रिया, उपचयन, या इसी को दोस्तों ऑक्सीकरण भी बोला जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उपचयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि उपचयन अभिक्रिया क्या है, फिलहाल उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास का मतलब होता है कमी, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उन अभिक्रियाओं को उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट एरो देखकर उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि आखिर उपचयन और ऑक्सीकरण, यानी कि उपचयन भी ऑक्सीकरण को ही कहा जाता है, उपचयन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आप चीजों को समझिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उपचयन या फिर टॉपिक था अपचयन। ध्यान दीजिएगा, उपचयन और अपचयन बिल्कुल पूछता है, इसको ना बीबीआई कर दीजिए, आता है कि ऑक्सीकरण और अवकरण से क्या समझते हैं। तो हमें क्या समझना है, सबसे पहला बात उपचयन और अपचयन, ये पांचवा भाग है हम लोगों का। ध्यान दीजिएगा, उपचयन का ही दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। अगर आपको सवाल में आता है कि ऑक्सीकरण क्या है, तो आप समझिएगा उपचयन ही है ऑक्सीकरण। वैसे ही दोस्तों, जब हम लोग अपचयन पढ़ेंगे, उसका दूसरा नाम है अवकरण, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन क्या, तो इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जुटता है, या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोजन की ह्रास होती है, ह्रास का मतलब कमी। तो अगर कोई अभिक्रिया में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो और हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, ह्रास का मतलब कमी, तब हम उसको बोलेंगे दोस्तों उपचयन अभिक्रिया। लेकिन अब अपचयन का बात करें या फिर अवकरण का बात करें, इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा, यहां पे हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, यहां पे हाइड्रोजन का योग होगा। आप देख पा रहे होंगे कितना सिंपल है चीजें। पूछता है सवाल में पक्की बात कि आप उपचयन अभिक्रिया किसको कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया किसको कहेंगे। तो उपचयन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन योग हो, ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो,
उसको हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन किसको कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो। ठीक है, अब ऐसे तो चीजें समझ में नहीं आएगी, हम लोग का तो डेफिनेशन याद हो गया। अब चलिए जो हम लोग लिखे हैं उपचयन वाले में उसके नीचे जरा कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ओ टू, क्या बनता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहां पे देखिए ऑक्सीजन क्या हुआ, यहां पे योग हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन पहले क्या था, अलग था, ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीजन जुड़ना माने योग। किसका उदाहरण, तो उपचयन का उदाहरण, यानी कि यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये उपचयन हो गया। आगे देखते हैं CU प्लस O2, इसका होता है CuO2 क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, टू सॉरी CuO, तो यहां पे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दूसरा एग्जांपल देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन अलग था, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल भी कर लेंगे, तो एग्जांपल बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब कभी भी डेफिनेशन आता है ना खासकर केमिस्ट्री में, तो आप उसका एग्जाम्पल जरूर डालिए। एग्जाम्पल डालने से होता क्या ना, एग्जाम्पलर समझता है कि ये ओवर थिंकिंग बॉयज है गर्ल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हम लोग दे दिए। अगर मान लिया MgO2 मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दिया संतुलित करने के लिए। यहां पे भी देख रहे हैं ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो जहां कहीं भी ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन की ह्रास हो, कमी हो, तो हम लोग उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे एफ ई है और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, यहां क्या बना रहा है, तो यहां बना रहा है एफ ई ओ, तो यहां दो से मल्टीपल कर दिया, तो यहां पर भी दो से मल्टीपल करना है, एग्जाम्पल नंबर फोर। तो ये चार एग्जाम्पल्स जो हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हो गए, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए अब आपको टॉपिक्स देना है नेक्स्ट, और वो भी वीवीआई है जिसका नाम है अपचयन। देखिए वो था उपचयन, और अभी हम लोग कर रहे हैं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन या फिर इसी को बोलते हैं अवकरण। अब टॉपिक लेंगे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे उसके बारे में लिखने के लिए। तो फर्स्ट एरो देकर उसके बारे में लिखा जाए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग अथवा हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट एरो में लिखेंगे दूसरा पॉइंट, अपचयन अभिक्रिया को ही अवकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, अपचयन अभिक्रिया को ही अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है, अपचयन अभिक्रिया को ही अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। हो गया ना, चलिए अब इसके नीचे हम लोग क्या लिखे कि जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या फिर हाइड्रोजन का योग हो। अब जरा इसमें हम लोग देखते हैं, जिसमें हाइड्रोजन अगर जुटता है उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, आप देख लो भाई कि अगर यहां पे H2 और Cl2 है, क्या बनेगा, 2HCl, दैट इज हाइड्रोजन था अलग, हाइड्रोजन का योग क्या कहलाएगा, अपचयन। तो उसके नीचे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट H2 प्लस Cl2 2HCl, ठीक है 2HCl, तब
तब हम इसको क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लिया कि यहां पे H2F2 क्या बन गया, तो 2HF, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ते हैं, इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे यहां पे कि इस केस में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो जब कभी भी हाइड्रोजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक्स थे कि उपचयन किसको कहेंगे और अपचयन किसको कहेंगे। तो आप शॉर्ट में याद रख लो, जिसमें ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का ह्रास अपचयन अभिक्रिया, उसका एग्जाम्पल किए, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हाइड्रोजन का योग अपचयन, और अपचयन का ही दूसरा नाम अवकरण अभिक्रिया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दैट इज अ सिंपल पॉइंट, सिंपल डेफिनेशन। अब आइए, इसमें दो ही एग्जाम्पल काफी है, हम लोग को तो सिर्फ समझना था कि अपचयन किसको कहते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं, एक अलग अभिक्रिया है जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, चलिए समझते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये टॉपिक देंगे और उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के नीचे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन या ऑक्सीकरण और अवकरण, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, चलिए अब देख लो भाई, अब सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे ना, पढ़ाई बहुत इजी लगेगा। हम लोग पहले पढ़े उपचयन अपचयन, अब दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए, तब उसी को तो कहते हैं भाई रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, दोनों साथ साथ हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अवकरण हो और ऑक्सीकरण हो। तो जब दोनों साथ साथ होगा तब उसका नाम क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। चीजें समझ में आ रही है ना, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, या फिर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है, उसे हमें क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब सर समझ में नहीं आ रहा कि रेडॉक्स, थोड़ा सा आप एग्जांपल दे दो। चलिए भाई एग्जांपल दिखते हैं यहां पर, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल, जिसमें अपचयन की क्रिया भी हो और उपचयन की क्रिया भी हो, यानी कि दोनों होना चाहिए। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, दोस्तों जैसा कि आपको पता है हाइड्रोजन के टू एटम H2, ऑक्सीजन के दो एटम से क्या बनता है, H2 और O2 मिलकर वाटर बनता है, दैट इज H2O एंड दैट इज गिव्स, ये बैलेंस समीकरण हो गया। अब ये तो बनता है, अब ये रेडॉक्स कैसे हो गया, जरा समझाओ हमको। हम क्या बोले भाई कि अगर हाइड्रोजन का योग होता है, देख लो हाइड्रोजन का योग, यानी हाइड्रोजन अभी अकेला है वो जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का योग भी हो रहा है, और ऑक्सीजन के बारे में देखो तो ऑक्सीजन का भी योग, ठीक है ना, यहां पे कि ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन और हाइड्रोजन का योग होगा तो अपचयन। यहां पे देख लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही मिल रहा है, यानी हाइड्रोजन का भी योग हो जा रहा है
और ऑक्सीजन का भी योग हो जा रहा है, हाइड्रोजन का भी योग हो जा रहा है, यानी हाइड्रोजन पहले अकेला था वो किसी के साथ जुड़ गया, योग हो गया, ऑक्सीजन अकेला था वो किसी के साथ मिल गया, योग हो गया, यानी कि इस केस में दोस्तों हाइड्रोजन का भी योग हो रहा है, ऑक्सीजन का भी योग हो रहा है। हम क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे क्या, रिडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि दोनों हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों ही हो रहा है। तो जब दोनों हो रहा है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर टू, CuSO4 प्लस Zn, दैट इज ZnSO4 प्लस Cu। देख लो भाई हम क्या बोले, हम क्या बोले कि अगर ऑक्सीजन का योग होता है तो उपचयन कहलाएगा, अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे अपचयन। आप देख लो Cu के साथ ऑक्सीजन सटा हुआ था, ऑक्सीजन किसके साथ, Cu के साथ, लेकिन Cu का बेचारा साथ जो है छोड़ दिया, यानी Cu अकेला हो गया। तो यहां से CuSO4 से Cu की तरफ आप देख पा रहे होंगे, CuSO4 से सिर्फ और सिर्फ Cu दिखने लगा प्रतिफल में, तो क्या यहां पे ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाएगा कि ऑक्सीजन का कमी कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पे Cu के साथ SO4 था और CuSO4 था पहले, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ SO4 यानी कि ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का कमी क्या कहलाएगा, अपचयन, यानी कि ये कहला रहा है अपचयन। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं Zn क्या था। Zn दोस्त दुनिया में अकेला था, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हुआ उसका एक दोस्त मिल गया, उसका नाम ऑक्सीजन है, यानी कि अकेला था वो, लेकिन अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो अगर उपचयन और अपचयन दोनों हो तो हम लोग रेडॉक्स कहेंगे। कॉपर सल्फेट, कॉपर के साथ ऑक्सीजन, बेचारा अकेले कॉपर, ऑक्सीजन साथ छोड़ दिया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन का कमी हो गया, अपचयन। यहां पे उसका उपचयन हो रहा है दोस्तों, यहां पे आप देख पा रहे होंगे अपचयन और उपचयन, इसीलिए हम इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट एग्जांपल, दो एग्जांपल डन हो गया, तीसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, देख पा रहे होंगे ऐसे एग्जांपल, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स H2O प्लस Cu, H2O यानी वाटर बनेगा एंड कॉपर बाहर निकलेगा। ठीक है, चलो देख लो भाई, इसमें भी देख लो, कॉपर के साथ यारी थी किसकी, ऑक्सीजन की, लेकिन इसकी यारी टूट गई, बेचारा कॉपर अकेले निकल गया, अकेला हो गया, ऑक्सीजन साथ उसका छोड़ दिया, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। तो जब ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास होना, कमी होना, अपचयन। और यहां H2 क्या था, अकेला था, और H2 अकेला था लेकिन उसका एक दोस्त मिल गया, ऑक्सीजन जुड़ गया उसके साथ, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो अकेले था ना, इसके साथ क्या आ गया, एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, दैट इज ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। तो हम लोग ये दोनों प्रोसेस हो रहा है जिस अभिक्रिया में, उसको हम लोग रेडॉक्स कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, चौथा एग्जांपल भी कर लेते हैं। चौथा एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, अगर मान लिया Zn O
प्लस सी गिव्स जेड एन प्लस सीओ, देख पाइए यहां पे आपकी कहां कहां अपचयन हो रहा है, कहां कहां उपचयन हो रहा है। देख लो भाई, जेडन के साथ किसकी यारी थी, ऑक्सीजन की यारी, पहले दोस्ती थी, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में अभिक्रिया के बाद जिंक अकेला पड़ गया, ऑक्सीजन की दोस्ती छूट गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी ह्रास अपचयन, यानी कि यहां से यहां हो रहा है क्या, अपचयन, ठीक है। और अगर आप देख पा रहे हो, कार्बन बेचारा दुनिया में अकेला था, लेकिन कुछ दस समय बाद, कुछ टाइम बाद उसकी यारी ऑक्सीजन से जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन योग हो गया, दैट इज उपचयन। तो दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं कि जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो, उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, सभी एग्जाम्पल को नोट करते जाना है क्योंकि सभी रेडॉक्स के अंतर्गत ये सब सारे हैं ना। हाँ, तो एक और एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऐसा है कुछ, Fe2O3 प्लस CO2 गिव्स Fe2O3 प्लस गिव्स CO 2Fe3CO2 2Fe3CO2, ठीक है। कार्बन 3 है ना, तो यहाँ पे कार्बन को 3 से गुना कर दीजिए, 3 गुना का 6, तो 3 × 3 = 6, ठीक है, 2 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि कहाँ उपचयन और कहाँ अपचयन, तो यहाँ पे आयरन की दोस्ती ऑक्सीजन के साथ थी, लेकिन बाद में ये ऑक्सीजन की दोस्ती टूट गई, ऑक्सीजन खत्म, तो ऑक्सीजन हट गया, तो यहां हो गया अपचयन। लेकिन बेचारा पहले से ही सीओ था, पहले से क्या था, सीओ, लेकिन एक ऑक्सीजन और जुड़ गया तब ना सीओ टू हो गया, 3CO2 लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, 2Fe+3CO2, यानी सीओ पहले से था, अब एक और ऑक्सीजन जुड़ गया तभी ना CO2 बन रहा होगा, यानी ये यहां पे आपका हो गया अब उपचयन। तो कुल मिलाकर ये सभी सारा जो एग्जाम्पल्स हम लोग किए, ये सभी सारा एग्जाम्पल्स एक रेडॉक्स अभिक्रिया का है, ठीक है। तो हम लोगों ने रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ा जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों ही होता है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं फिर और नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखा जाए संक्षारण के बारे में, कि संक्षारण क्या है, संक्षारण, अगले टॉपिक से संक्षारण, उसके नीचे एरो देंगे, फर्स्ट एरो लिखा जाए, एरो देकर, जब धातु नमी और वायुमंडल के संपर्क में आता है, तो जब धातु नमी और वायुमंडल के संपर्क में आता है तो धातु धीरे धीरे अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड कॉमा हाइड्रोक्साइड कॉमा कार्बोनेट आदि रूपों में परिवर्तित होने लगती है, जिसके कारण धातुओं की शक्ति क्षीण होने लगती है, मतलब कि कम होने लगती है, धातुओं की शक्ति क्षीण होने लगती है, जिसे संक्षारण कहा जाता है, जैसे करके लिखेंगे
लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना संचारण की क्रिया को प्रदर्शित करता है, संचारण की क्रिया को प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे संचारण के कारण पूल पूल कॉमा लोहे की रेलिंग कॉमा जहाज जहाज क्षतिग्रस्त हो जाती है अतः संचारण एक गंभीर समस्या है, अतः संचारण एक गंभीर समस्या है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे किसी भी धातु को जंग लगने से बचाने के लिए उसे पेंट किया जाता है। फिर उसके नीचे लिखेंगे नोट में करके NOTE नोट में करके लिखेंगे लोहे पर लगने वाला जंग का रंग लाल भूरा होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग समझते हैं कि संचारण क्या होता है। आपको पता है कोई भी धातु को अगर नमी के संपर्क में या फिर पानी के संपर्क में रख देते हैं तो उस पर जंग लगता है, जिसको हम लोग चिट्टी लगना भी बोलते हैं। तो जैसे ही वो जंग लगता है ना तो उसकी शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है और अभिक्रिया हो जाता है, और अभिक्रिया करके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट जैसे पदार्थ बनाते हैं जो उसके लिए हानिकारक है, अवांछनीय होता है। और ऐसा अगर होने लगता है तो उस धातु की शक्ति घटने लगती है। जैसे मान लिया कि आपका घर के ऊपर जब ढलाई होता है तो छड़ निकाल के छोड़ दिया जाता है, और छड़ पानी के संपर्क में आता है तो छड़ में जंग लगता है, और जैसे ही जंग लगना शुरू हो गया इसका मतलब समझिए उसकी शक्ति क्या हो गई, घट गई। और यही कारण है कि जंग लगने की वजह से बहुत बड़े बड़े लोहे की रेलिंग्स या पूल ये सब ढह जाता है, यानी कि नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई जंग लगने के वजह से। तो ये क्रिया को हम लोग संचारण कहते हैं, यानी कि धातुओं में जो जंग लग जाता है, चित्ती पकड़ लेता है, समझो वही संचारण है। ठीक है, और दूसरी बात कि लोहे में जो जंग लगता है उसका कलर कैसा होता है, लाल भूले भूरा कलर का, यानी कि आप समझो कि उस पर भूरा कलर का जंग लगता है। ठीक है, और संचारण आप जानते ही हैं कि एक गंभीर समस्या है। हालांकि इस संचारण से बचने हेतु हम लोग लोहे से बने धातु को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। खिड़की हो या लोहे का बना दरवाजा हो, हम लोग उसको पेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ हो, ज्यादा दिन तक चले। क्यों? क्योंकि उसमें जंग नहीं लगेगा, उसका बाहरी परत को हम पैक कर देते हैं, तो जब भी नमी के संपर्क या पानी पड़ता है तो पेंट के ऊपर ही रहता है पानी। अगर वो पेंट नहीं हम लोग करेंगे तो डायरेक्ट उस लोहे के संपर्क में जाएगा कोई भी नमी या पानी। इसका मतलब ये गारंटी आप समझ लो कि लोहे में जो जंग लगता है वो नमी के संपर्क में लगता है। अगर आप नमी से दूर रखो, यानी कि पूरा गर्मी के दिनों, गर्मी वाले दिन है, शुष्क है वाले दिन है, वहां पे लोहे में जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि लोहे में जो जंग लगता है वो किसके वजह से लगता है, तो नमी के वजह से, पानी की मात्रा होती है इसके वजह से किसी भी लोहे में जंग पकड़ लेता है, चित्ती पकड़ने लगता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उसे नमी से दूर रखना पड़ेगा लोहे को, या फिर उसे आपको पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लोहे पर अगर आप पेंट करते हैं तो वो जंग उस पर नहीं पकड़ेगा।
तो कुल मिलाकर संक्षारण का मतलब क्या समझे, कोई भी धातु जब नमी और वायुमंडल के संपर्क में आता है तो उसका अभिक्रिया होने लगता है और ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड जैसे अवांछनीय पदार्थों में बदलने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, और यही कारण है कि उसकी शक्ति घटने लगती है, जिसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है लोहे में जंग लगना। लोहे में जब जंग लग रहा है दैट इज संक्षारण, संक्षारण की वजह से हो रहा है। और दूसरी बात कि संक्षारण में हम लोग ये भी लिखे हैं कि जो संक्षारण के कारण और क्या क्या होता है, तो बहुत सारे पुराने मकान, जहाज वगैरह सब पानी में डूब जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि संक्षारण की वजह से। अतः हम ये बोल सकते हैं हमारे लिए संक्षारण जो है एक गंभीर समस्या बना हुआ है, जिसको हम लोग एक ही तरीका से मिटा सकते हैं, या तो उसे नमी से दूर रख के और दूसरा उसके सतह पे पेंट करके। ठीक है, तो पेंट क्यों किया जाता है अगर कोई पूछेगा तो? पेंट इसीलिए किया जाता है ताकि उसको जंग लगने से बचाया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग संक्षारण तक के पढ़ा है, और एक टॉपिक इस चैप्टर का बच गया है जिसका नाम है विकृति गंधिता। तो विकृति गंधिता को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस है बस उसको करेंगे, तो ये चैप्टर को फुल्ली हम लोग 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, यानी आने वाले 2 डेज 2 क्लासेस में हम लोग ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, ज्यादा मतलब थ्योरेटिकल वाली चैप्टर नहीं थी, छोटी चैप्टर थी, तो 2 दिन और लगेगा ये चैप्टर खत्म होने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।